पहले आपको दिखाए थे और एक बार सॉफ्ट क्लोज हो गया ये वाला पैसे ये अपना। और फ्रेंड्स एक बात, ये आपको जब बनाना है ये ज़्यादा गैप नहीं रखना है, ये बैंड है इसीलिए तो ज़्यादा गैप दिख रहा है। ये वाला अपना दो धागा से ज़्यादा नहीं रखना है, दो धागा से ज़्यादा रखेंगे तो अपना इधर अपना डस्ट जा सकता है अंदर, ठीक है। और अगर आपको जानना है कैसे स्लाइडिंग का फिटिंग लगाना है ऊपर से तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं और एक वीडियो डाल के अपलोड करते हैं। ये देख सकते हैं ये लॉक है अपना, ये सब ग्रुप पल्ला है, ये ग्रुप पल्ला है अपना, ठीक है। खोल के दिखा देते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चलिए आगे वाला वीडियो भी सब अपलोड करेंगे, आप देख सकते हैं ये वाला है। और ये हमारा बॉर्डर 2 इंच का है और इधर हाइड्रोलिक लगने वाला है ये, और ये वाला हेडवर्ड। और चलिए बाहर आपको टीवी यूनिट दिखाएंगे, ये हमारा टीवी यूनिट है इधर, इधर दो ड्रायर लगने वाला है इधर इधर, और ये अपने रखा है सेटर बॉक्स के लिए ये वाला, इधर टीवी लगने वाला है। और किचन भी आपको दिखाए थे, ये हमारा किचन, इधर बास्केट लगने वाला है, और ये देख सकते हैं कॉर्नर में फिर पल्ला होने वाला है, ये भी पल्ला होने वाला है, ये भी पल्ला होने वाला है। फ्रेंड्स जगह बहुत छोटा है इसलिए थोड़ा आपको दिखा है छोटा को, ये अपना एडजस्ट करके पूरा बनाया गया है ये छोटा जगह के लिए। और ये देख सकते हैं इधर नई वाली बेडरूम है जो ये वाला मिरर रहेगा, और ये सब ग्रुप पल्ला है, ये वाला ग्रुप पल्ला है देख सकते हैं, ये ग्रुप पल्ला है अपना। मैंने ग्रुप पल्ला बनाया ज़्यादा मजबूत की वजह से ज़्यादा मजबूत है ये अपना, मिरर लगने वाला है इधर, जगह बहुत छोटा है फिर भी हम लोगों ने एडजस्ट करके इधर बेड भी बनाने, और फोल्डिंग वाला बेड है ये, तो आपको एक बना के दिखाएंगे ये वाला फोल्डिंग वाला बेड।